भाजपा के 43वें स्थापना दिवस को मनाने के भागरूप शहर के पूर्व विस्तार में निर्माण किए गए वैसे राजीव गांधी स्विमिंग पूल को एक बार फिर चालू करने के साथ लोकार्पण किया था। भाजपा के स्थापना दिवस को मनाने के भागरूप आज विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं कोरोना काल के कारण पिछले 2 सालों से पूर्व विस्तार में आए हुए राजीव गांधी स्विमिंग पूल को बंद हालत में रखते हुए आज स्थापना दिवस के भागरूप दोबारा से चालू करते हुए पुनः लोकार्पण किया गया। शहर के लालबाग, कारलीबाग, वड़ीवाड़ी सहित के स्थल पर स्विमिंग पूल को बंद हालत में रखा गया है, तो वहीं कोरोना केस में घटावा होने के साथ सरकार द्वारा दी जा रही छूट छाट के बीच पूर्व विस्तार में आए हुए राजीव गांधी स्विमिंग पूल जहां लंबे वक्त से मेंटेनेंस की कामगिरी चल रही थी, जो ये कामगिरी खत्म होते हुए आज 43वें स्थापना दिवस पर ये स्विमिंग पूल को दोबारा से चालू करने के बीच तैरानी और स्थानिक लोगों के लिए खुला किया गया। इस मौके पर कॉरपोरेशन के मेयर के रोकड़े, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल सहित कई महानुभाव उपस्थित रहे थे। छेल्ला 4 वर्ष थी पूर्व विस्तार नी अंदर राजीव गांधी स्विमिंग पूल बंद करायो हतो टेक्निकल कारणोसर। हवे राजीव गांधी स्विमिंग पूल आज थी आ खुल्लो मुकवामां आव्यो छे। राजीव गांधी स्विमिंग पूल खाते हजारों नागरिकों लाभ लई शके एना माटे तमाम योग्य व्यवस्थाओं उभी करीने कॉर्पोरेशन द्वारा आथी आ स्विमिंग पूल खुल्लो मुकवामां आव्यो छे। स्विमिंग ए सारामां सारी कसरत पण कहेवाય છે, ત્યારે આ વિસ્તારના નાગરિકો આ કસરતથી વંચિત હતા અને 4 વર્ષ પછી તમામ વ્યવસ્થાઓ પૂર્ણ કરીને આથી સ્વિમિંગ પૂલ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે।